हेलो नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत करते हैं हम आज आपका एक और नई वीडियो में वापस है। तो जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं, आज हम बनाने वाले हैं एक वॉक थ्रू इस तुनवाल कंपनी की तरफ से आने वाली इलेक्ट्रिक बाइक का, जिसका नाम है तुनवाल TZ। तो चलिए करते हैं आज इसका एक वॉक थ्रू, आपको दिखाते हैं क्या कुछ है इसके अंदर, क्या कुछ स्पेसिफिकेशन है इसकी। तो शुरू करते हैं हम इसके फ्रंट से। तो जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं कि इसकी जो लुक है वो बिल्कुल एक पेट्रोल बाइक की तरह है, कुछ ना कुछ मिलती हुई FZ से है जो इसकी फ्रंट लाइट है और ये विंडशील्ड जो कहते हैं इसको देखते हुए, और जो इसका टैंक है इसको देखते हुए FZ से इसकी लुक काफ़ी हद तक मिलती है। उसमें अगर आप देखें तो फ्रंट में आप देख सकते हैं डिस्क ब्रेक हैं और फ्रंट में LED लाइट हैं, साथ में LED इंडिकेटर हैं, तो लुक काफ़ी इसकी अच्छी है। एलॉय रिम्स हैं इसमें फ्रंट में, और बैक व्हील में आपको मोटर मिल जाएगी। बैक और फ्रंट आपको दोनों ही डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएंगे। फ्रंट में इसके ऊपर से लेकर नीचे तक सस्पेंशन है जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको इसमें फ्रंट में मिल जाएंगे और पीछे आपको स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशन मिल जाएंगे। हम देखते हैं एक बार, इसके फ्रंट देख लिए हैं हमने, आप देख पा रहे हैं अच्छा सा काफ़ी अच्छी लुक में दी गई है कंपनी की तरफ से ये बाइक। आप अगर इधर देखें तो इसकी साइड भी काफ़ी अच्छी है लुक को देखते हुए। उसमें अब बैक देखते हैं हम, तो बैक में आप देख सकते हैं इसकी टेल लैंप और इंडिकेटर, ये भी काफ़ी अच्छी लुक देते हैं। साथ में आप इसका टायर देख सकते हैं कितना वाइड और फैट है टायर इसका। मोटर भी इसमें काफ़ी हैवी दी गई है। अब हम देख पा रहे हैं इसका जो ये फ्रंट हैंडल है, इसको यहाँ पे आपको इसमें चाबी लगाने की जगह मिल जाएगी जिसमें आप चाबी लगा सकते हैं। साथ में कंट्रोल्स वगैरह देख सकते हैं इसमें जो जो आपको मिलेंगे। इसमें मेनली आपको हॉर्न का, इंडिकेटर का, लाइट का, अपर डिपर, साथ में एक गियर स्विच करने का, एक लाइट का और एक इंजन किल स्विच मिल जाएगा। इसमें कुछ नहीं होता, बस ये आपका पीछे वाला ब्रेक है, ये आपका आगे वाला ब्रेक है, और बस ये थ्रोटल है। बस इसके अलावा और कुछ नहीं होता इसमें, बस आपको ऑन करनी है और रेस देनी है। मीटर अगर हम इसमें देखें तो आप देख सकते हैं कि सारी इसके रिलेटेड जानकारी हमको मिल जाती है इसके अंदर, जो भी आपको चाहिए इस बाइक को लेके। तो और अगर आप देखें तो इसमें हमको यहाँ पे मिल जाता है एज अ मतलब लुक के लिए, इसका कोई काम नहीं है ये टैंक की लुक देने के लिए कि ये बाइक बिल्कुल पेट्रोल वाली बाइक लगे, सोसाइटी में अलग से स्टैंड ना करे, इसीलिए इसको लुक देने के लिए इधर भी दिया गया है पोर्शन चाबी डालने का। अगर आप इधर देखें तो इधर इसमें आपको मिल जाएगा एक चाबी लगाने का स्लॉट, जिसमें अगर आपके इसमें लिथियम बैटरी है तो आप लिथियम बैटरी को निकाल सकते हैं इसमें से। जो ये चाबी का स्लॉट है आपको नॉर्मली बस इसमें चाबी लगानी है, ये कंपार्टमेंट आपका खुल जाएगा, और लिथियम बैटरी है तो लिथियम बैटरी इसके अंदर से निकल जाएगी। अभी इसके अंदर लेड एसिड बैटरी है, तो यहाँ पे भी बैटरी है, ऊपर भी बैटरी है, तो लेड एसिड बैटरी में आप इसको नहीं निकाल सकते, वो आप एक प्रॉपर मैकेनिक के पास ही जाके निकलवाएं तो ठीक रहेगा। साथ ही में अगर आप इस सीट को उठाना चाहते हैं तो आपको इधर एक ऑप्शन दिया गया है, इधर अगर आप देख पा रहे हैं तो इधर ऑप्शन दिया गया है जिससे ये सीट निकल आती है। अंदर आप ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़े कागज वगैरह इसके रख सकते हैं, RC वगैरह, बिल वगैरह, उसके अलावा ज़्यादा आप इसमें रख नहीं पाएंगे। तो इसमें अगर आप देखें तो आपको 72 वोल्ट में ये बाइक मिल जाएगी, जिसमें ये आपके 55 to 60 की स्पीड आराम से दे देगी। साथ ही में इसकी मोटर इतनी हैवी है कि ये 3 से 4 क्विंटल तक का वेट आराम से उठा लेगी, और 72 वोल्ट की बैटरी के साथ इसमें आपको किलोमीटर अगर आप लिथियम में लेते हैं तो 100 से 120 मिल जाएंगे, और लेड एसिड का अगर आप किलोमीटर देखें तो 90 to 95 किलोमीटर आपको इसमें मिल जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की बाइक तुनवाल TZ। आज हमने इसका किया है एक वॉक थ्रू। अगली वीडियो में, आगे किसी वीडियो में हम आपको इसको चलाकर भी दिखाएंगे, इसका राइड एक्सपीरियंस भी बताएंगे आपको। तो बने रहें हमारे साथ इस चैनल पे। उस वीडियो के लिए और किसी वीडियो के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटी से रिलेटेड, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए अगर आपको ये बाइक पसंद आई, ये वीडियो अच्छी लगी है तो। जय हिंद, वंदे मातरम।